गुड मॉर्निंग। सो संडे मतलब चंपी, ये परंपरा हमारे घर में सदियों से चलती आ रही है। तो मम्मी आपको क्या आनंद आता है मेरे और पापा की मसाज करके? हमारे बाल अच्छे हो जाए तो मैं तो यही चाहती हूँ। देखो ये होती है माँ, हमारे बाल अच्छे हो जाए ये मम्मी तो यही चाहती है। वाह। ये नहीं डाल सकते। और ऑन द कॉन्ट्ररी पापा ने मेरे बाल रिंस धोए बचपन में। रिंस साबुन आप जानते हैं जो कपड़े धोने के काम आता है, जो डिटर्जेंट होता है। मम्मी तेल लगाती थी मेरे बाल अच्छे करने के लिए और पापा रिंस लगाते थे मेरे बाल खत्म करने के लिए। खत्म नहीं, वो चमक उनके हिसाब से उनको लगता था कि इसमें चमक है। देखो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। पापा को लगता था कि जैसे बढ़िया चमक जाते हैं कपड़े डिटर्जेंट से, वैसे ही बाल भी मेरे चमक जाते हैं। पापा को हमेशा लगता था कि मेरा बच्चा हैंडसम लगे, हैंडसम नहीं उस टाइम पे, जो भी क्यूट लगे, अच्छा लगे। चलो अभी मैं आई विल कंटिन्यू विद माय डे, आई हैव अ शूट टू गो टू, तो मैं जल्दी से इसको कुछ आधा घंटा रखूँगा बालों में एंड देन आई विल वॉश इट ऑफ एंड दैट्स द रिचुअल दैट आई विल ट्राई एंड मेंटेन every Sunday while mummy is here. Thank you, ma. Okay. तो मम्मी की चंपी ने कर दिया काम। शाइन भी आ गई और हेल्दी भी लग रहे हैं बाल। वाह क्या राइमिंग किया मैंने। मम्मी की चंपी ने कर दिया है कमाल, शाइन भी आ गई और हेल्दी भी लग रहे हैं बाल। So I'm all set. I'm going for a personal portfolio shoot today. Because I feel ke for an actor you need to have updated pictures, because wo kabhi story hoti hai, press releases hoti hai, bahut sari jagah hoti hai, even for Instagram I think you need updated pictures all the time. It just looks more professional rather than being clicked on the phone all the time. So let's go. But वाकई में यार बॉम्बे really amazes me. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चले जा रहा है और मेरा एम है इनसे बचना और इनका काम है ठोकना, तो ये हम गेम खेलते रहेंगे पूरे रास्ते। ये देखो ये दिस इज नॉट अ वन वे रोड, जस्ट FYI। ये देखो ये अंकल आ गए, ये एक अंकल और समझदार अंकल है, ये बड़ी गाड़ी वाले। आजकल जेन जी को नहीं पता है शायद, क्योंकि हमारे टाइम में जब एक कसेट होती थी ना वो लूप पे चलती थी, कि 25 रुपीस की एक कसेट आती थी जो हम महीनों वही सुनते थे गाड़ी में। हम पिक्चर की हो गई या चालवाज हो गई या दिल हो गई, तो ये कसेट्स इनके गाने ना हमें इतने रट जाते थे कि आज भी अगर वो गाना, और हो सकता है मैंने 25 साल से एक कोई गाना ना सुना हो, बट वो अगर कहीं पर प्ले होता है ना, सो I will lip sync to that song. And somebody asks me like if there's a young kid who's in the car with me and sometimes my songs are playing on loop. So then they ask me ki aap bore nahi hote ho? Main kehta hu ki ye to kuch bhi nahi hai. Jab hum sunte the to hum pata nahi kitne hazaron baar ek gana sunte the. Wo ek cassette baar baar, wo side A hota tha aur side B, side A aur side B hota tha uska. Wo apne aap switch kar deta tha. Wo so पहले वाले जो ज़माने के स्टीरियो सिस्टम्स होते थे उसमें निकाल के स्विच करने वाले थे, फिर थोड़ा सा इवॉल्व हुआ सिस्टम कि इस गाड़ी में वो वाला सिस्टम है जो अपने आप स्विच कर लेता है साइड ए और साइड बी। सो दोज़ वर द डेज एंड नाउ ऑफ कोर्स इट्स यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट एंड जस्ट गिव अ कमांड टू द कार और टू योर फोन, प्ले दिस सॉन्ग। But if you come from that kind of generation, then do comment and let me know. It'll help me create content which is more relatable to you guys. मैं ऊपर से काफी काम नजर आता हूँ, लेकिन अंदर आइडियाज का उबाल होता है। और जब भी मैं इन फैंस से मिलता हूँ तो मुझे लगता है इनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्योंकि अपनी अपनी स्टोरीज में हम सब हीरो हैं। हर हीरो हीरोइन की कहानी जानने का मेरा मन करता है। That is just the creative side of me. Trying to gain inspiration from everywhere around me.
I don't know. It's just some random thought that I'm sharing. So I'm done with my first look. And ye to look ghar se taiyar ho ke main nikla tha. And we're done with some pictures in this look. And now on to the next one. नहीं दिख रही क्या? अरे यार, पिछले कुछ दो तीन दिनों में ना मैंने बहुत मीठा खाया है, तो तुरंत रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है। So this is my second look, as you can see. मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़े कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा, सो दिस इज इट। इट्स अ वेरी नाइस प्रिंटेड शर्ट, ये आजकल बहुत चल रहे हैं बाय द वे, यू सी अराउंड, ये प्रिंट्स का ज़माना वापस आ गया। जिसको प्रॉब्लम है उधर देख लें, तो शूट हो गया खत्म, अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। इसके चक्कर में एब्स कम वक्त, दो तीन दिनों से मीठा खा रहा हूँ तो एब्स गायब हो गए थे, तो जैसे तैसे करके मैंने कंप्लीट किए, अब जाके होटल करूँगा। तो अब पेट पूजा हो गई है और अब देखिए, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैड ऑर्डर्ड। मैंने सोचा कि नहीं अभी कुछ दिन खाते हैं यार मीठा, क्योंकि सिक्स पैक चला गया है, इट्स बीन डिसअपीयरिंग पास्ट फ्यू डेज, बट अब ये इन्होंने कर्टसी दिस कैफे, दे वेरी स्वीट पीपल, दे जस्ट गेव इट टू मी, और मुझे बुरा लगेगा अगर मैं इसको नहीं खाऊँ तो खाना ही पड़ेगा मजबूरी में यार। But this is not a regular cake. This is jaggery based and almond flour, so gluten free. खाओ guilt free, कोई टेंशन नहीं। तो एक और ब्लॉग बना देंगे, 6 kilos gained. इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था। पूरा खाने की क्या जरूरत थी यार। चलो अभी वर्कआउट करना पड़ेगा, इसको निकालना है। चलो